नमस्कार, स्वागत है आपका आईपीओ कॉर्नर में। आज हमारे साथ रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के सीएमडी और उनके जो डायरेक्टर स्ट्रेटजी एंड इन्वेस्टर रिलेशंस है वो मौजूद हैं, डेविड देवरश्याम, कर्नल डेविड देवरश्याम एंड मुथुरमन जी। तो सर, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म जागरण बिजनेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने ये मौका दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया जी सर। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि आप अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं और आपकी कंपनी कैश सेगमेंट में डील करती है, वो एक बहुत बड़ी लीडिंग प्लेयर है रिटेल कैश सेगमेंट में भी, तो आप थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में पहले ब्रीफ में हमें समझाइए हमारे दर्शकों को। हमारी जो कंपनी है अभी पब्लिक इशू जो आईपीओ आ रहा है उसमें 388 करोड़ का जो है इशू है, जिसमें करीबन 60 करोड़ हम लोग फ्रेश इशू उसमें है जो कंपनी में आने वाला है कैश, और बाकी ओएफएस जो है वो हमारे एक इन्वेस्टर है एसन कैपिटल, उनका करीबन 23% है और 10% जो है प्रमोटर ग्रुप का है, और ये प्राइस बैंड है 94 से 99 तक, 94 to 99 उस बैंड में है, और जो इशू डेट्स हैं वो है 23 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर, ये तीन डेट्स में जो है होगा। ओके सर, और सर इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग रहेगी आईपीओ के बाद उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा? प्रमोटर से जो ओवरऑल हमारे पास करीबन 55% रहेगा इसके बाद में, और ये हमारी तरफ से ये हमारा आखिरी जो है डाइल्यूशन है, इससे आगे अभी किसी नजदीकी में हम लोग कोई डाइल्यूशन के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। सो सर, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कि आपकी कंपनी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसी रही अब तक की जर्नी, अब आप मार्केट में आने वाले हैं तो कैसी आपकी जर्नी अब तक की रही? तो मेरे पिताजी भी फौज में थे, वो मेजर साहब रिटायर हुए हैं, और मैंने 1976 में जो है एनडीए ज्वाइन किया, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उस टाइम मैं 16 साल का था, और 4 साल की ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में करने के बाद 1980 में जो है मैं कमीशन हुआ फौज में ऑफिसर के तौर पर, और 2005 तक मैं कार्यरत रहा। मैं इन्फेंट्री में था और ज़्यादातर मेरी जो मैं जो मिलिटेंट्स के जो लड़ाई है उसमें मैंने काफ़ी भाग लिया है, और तो 25 साल नौकरी करने के बाद जब हमारे जो लास्ट पोस्टिंग है वो बैंगलोर में थी, तो उस समय जो है कैप्टन गोपीनाथ के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने डेक्कन एयर उसके प्रमोटर थे, वो भी पुराने फौजी थे, तो उनके इस कहानी से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, और इसीलिए वहाँ पे बैंगलोर में होते हुए मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना एक एंटरप्रेन्योर बनूँ। मैंने 2 बटालियन कमांड किए थे, एक ट्रेनिंग सेंटर कमांड कर चुका था, 25 साल की नौकरी हो चुकी थी, तो मैं सोचा कि अभी इसमें हम ट्राई करते हैं, और इसी प्रकार इसीलिए हमने जो है रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज का उद्घाटन किया, और रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में 3 मुख्य शब्द के ऊपर हमने फोकस किया, और वो है रिटेल कैश मैनेजमेंट। रिटेल कैश मैनेजमेंट उस वक्त जो है पूरे भारत में सिर्फ एक ही कंपनी जो है इसका सर्विस दे रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक अच्छा सेक्टर है जहां पर हमने अगर फोकस करें तो इसमें मार्केट लीडर बन सकते हैं, और इसी में मैं फोकस रहा हूँ पिछले 17 साल से, और आज जो है हम इसके मार्केट लीडर्स हैं, और जो नेशनल मार्केट शेयर है उसमें करीबन 40% हमारी कंपनी को मिला हुआ है। ओके सर, सो मुथुरमन सर, क्या आप हमें अपने बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? और द कंपनीज बिजनेस हैज 5 पार्ट्स। द कोर ऑफ द बिजनेस इज पिकिंग अप कैश फ्रॉम रिटेल आउटलेट्स एंड ब्रिंगिंग बैक टू द बैंक। सबसे पहले है वो कैश पिकअप एंड डिलीवरी। कैश पिकअप एंड डिलीवरी, जैसे इसमें एक आउटलेट होता है, जैसे जब पब्लिक जो है जब टेलर काउंटर से या फिर एटीएम से पैसे निकालते हैं उसके बाद में वो अलग अलग जगह पे उसका खर्च करते हैं, इनको हर एक जगह को, जैसे वो स्कूल में फीस भरते हैं, कॉलेज में फीस भरते हैं, हॉस्पिटल में जो है किसी का बिल पेमेंट करते हैं, या रेलवे स्टेशन में, या किसी रिटेल आउटलेट में, या कैश ऑन डिलीवरी, सब जगह जो है पैसे का खर्च होता है। तो इसके बाद में ये उस जगह पर
एक गैस का एक कंपोनेंट रह जाता है और उसको कलेक्शन जो है वो जब करने की रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे जैसे रिटेल कैश मैनेजमेंट एजेंसी जो है उसको पिकअप करते हैं और इसको हम कैश पिकअप करते हैं कहते हैं। और कैश पिकअप जो है अगर पिकअप करके उसी कस्टमर का जो बैंक है उसमें हम उसको डाल दें, उसको डिपॉजिट करें, तो फिर उसमें उसको कैश नॉर्मल कैश पिकअप हम कहते हैं। और ये इसमें स्लैब के तौर पर हमें पैसा मिलता है, स्लैब रेट होते हैं ताकि 1 लाख तक इतना पैसा मिलेगा, 2 लाख तक ऐसा होगा। मैं इतना ही कहूंगा कि जो क्योंकि हालांकि ये हमारे RSP में हमने ये रेट मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो सबसे लोएस्ट है वो करीबन 2200 तक इतना सस्ता रहता है कि 26 दिन हम विजिट करते हैं उस आउटलेट को, वहां से पैसा हर एक दिन उठाते हैं हर एक महीने में, और उसके लिए हम सिर्फ 2200 रुपए चार्ज करते हैं। तो ये महीने में जो है तो इसमें तो इसका ये हमारा करीबन 67% हमारा बिजनेस जो है उसके ऊपर निर्भर है। ऐसा हम 55,000 पॉइंट से पिकअप कर रहे हैं, करीबन 55,000 पॉइंट हम लोग हर दिन इस वक्त एक दिन कर रहे हैं। तो ये भी आपको एक इंडिकेशन होगा कि जब DRH पे हमने फाइल किया था हम लोग करीबन 42,000 पॉइंट कर रहे थे, अभी 55,000 कर रहे हैं, तो 13,000 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। तो इसका मतलब है हर एक महीना जो है करीबन 1100 पॉइंट हमें बढ़ा है और ये हमारे ग्रोथ को इंडिकेट करता है और इसी से जो है रेवेन्यू के ऊपर असर पड़ता है। ओके सर, सो सर आपके क्लाइंट्स के अगर आप शेयर कर पाए आपके क्लाइंट्स के नाम तो मुथुरमन सर कैन यू प्लीज शेयर दैट। Yeah, sure. Every foreign bank, every large private sector bank, and among public sector banks, State Bank of India are our clients. So we service over 37 banks and several other NBFCs and a few direct clients as well. But these are our where we have a contract. In turn, we provide this service as a doorstep banking to their end customers. That way, we service over 3,300 end customers across BFSI. E-commerce logistics, organized retail, petrol bunk, railways, and others. And sir, what could be the growth drivers for new investors for your company? Growth drivers जो है तीन मुख्य इसमें भाग हैं। सबसे पहले जो end customer है, चाहे वो e-com का आप किसी भी नाम ले लीजिए, हम लोग अभी क्योंकि RSP लिहाज से हम लोग किसी का नाम ले नहीं सकते, लेकिन आप अपने मन में लीजिए जो भी जो बड़ा नाम है वो उसका हम लोग जो है वो हमारे एंड कस्टमर है। अभी एक ई-कॉम कंपनी जो कि जिसको हमने शुरू किया था वो 400 पॉइंट में कर रहे थे, 400 आउटलेट थे, अभी वही कंपनी जो है करीबन 5-6 साल के बाद में 2000 आउटलेट उनका हो गया है। तो इस प्रकार हर एक साल जो है उनका अपना जो ग्रोथ प्लान है उसके लिहाज से वो या उसके अनुसार आगे बढ़ते जाते हैं और वो पॉइंट हमारे पास आते हैं, तो ये ग्रोथ का एक हिस्सा है। दूसरा जो है अभी हम हमेशा ये मजाक करते हैं आपस में कि हमारा एक ही कंपटीशन है और वो है इग्नोरेंस, कि लोगों को पता नहीं कितना अच्छा सर्विस अवेलेबल है देश में। इसीलिए जो है ओवरऑल जो जैसे फ्रॉस्टन सेलेवन रिपोर्ट में 30 लाख आउटलेट हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री जो है मिलके 1.4 लाख आउटलेट ही कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए हम इसी में फोकस रहते हैं। तो सर आप जैसे आने वाले समय में जब आने वाला समय है अब, तो उस समय आपकी कंपनी के लिए आपकी इंडस्ट्री में और कितनी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लाइक अगले 5 सालों में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले 5 सालों में आपके जो ग्रोथ प्लान्स हैं वो क्या रहेंगे? जैसे मैंने बताया कि जब ईयर 21 का हमें आपको नंबर दिया तो हमने 42,000 आउटलेट थे उस वक्त, और अभी जो है 55,000 आउटलेट हो गया है, तो 13,000 आउटलेट यानी कि हर एक महीने में जो है करीबन 1100 आउटलेट पड़ा है। तो उस तरीके से तो इसमें ये अभी चल रहा है। मैं अभी इस क्वार्टर का आपको उदाहरण दूंगा। अगर आप देखें हमारा जो ईयर 22 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें हमारा रेवेन्यू जो है करीबन 59 करोड़ था, अभी जो है 84 करोड़ है जो फर्स्ट क्वार्टर है। तो ये फर्स्ट क्वार्टर हमेशा जो है हर एक किसी भी कंपनी का सबसे वीक क्वार्टर माना जाता है,
तो उसी में जो है ये हमारा ग्रोथ है, और इसीलिए बहुत आगे जो है जिसके बारे में हमें बात नहीं कर सकते जी। लेकिन मुत्रामन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिपोर्ट अटैच किया है हमारा वेबसाइट में है, आरएसपी भी है। फ्रॉस्ट एंड सलिवन एस्टिमेट्स द रिटेल कैश मैनेजमेंट इंडस्ट्री टू ग्रो एट 20.3% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 years. Okay. And we are the market leaders in the industry, so we expect to grow slightly better than that. And sir, अगर मैं आपकी कंपनी के last 3 years के financials के बारे में बात करूँ, तो आप थोड़ा सा उस पे guidance दीजिए हमें। Yeah, FY 21 and 22, we had some impact of COVID, first quarter. 21 में first wave था, 22 first quarter में delta wave था. Because of that, some impact was there. Still, from FY 21 to 22, we grew our business from 221 crores to 287 crores. And the ROC, return on capital employed, for FY 22 was 33%, highest in the industry. Return on equity was 27%, highest in the industry. In the last 3 years, we have paid over 53 crores in dividend to our shareholders. And every year, cash flow from operations after meeting working capital changes is consistently been positive for all the last 3 years, as well as for the first quarter of the current year. And company is a net zero debt company. Cash balance is more than the debt outstanding. इसी प्रकार जो dividend policy है, पहले भी हम अभी देते आ रहे हैं shareholders को, उसी प्रकार आगे भी जो है चल के इसको हम इसको वैसे ही रखने का हम लोग। जी। और सर आपका जो आईपीओ का पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे उसको लेके? हाँ, तो ये 60 करोड़ का प्लानिंग है जो फ्रेश इशू है, उसमें करीबन 20 करोड़ हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए रख रहे हैं। अभी आप देखिए कि एक दिन में हम लोग 400 से 500 करोड़ मूव करते हैं, और दूसरे दिन जो है ये पूरा हमें क्लाइंट्स को फंड करना है। तो कभी हम देखते हैं कि बैंक का लिंक फेलियर हो जाता है या और कोई किसी वजह से वो कैश जो है हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कुछ पैसा हमारे पास रखने की जरूरत है। इसके अलावा एक और जो बिजनेस जो अच्छा एक है डे जीरो फंडिंग, यानी कि जैसे पिकअप करते हैं उसी टाइम हम फंड कर सकते हैं, और इसमें जो है हमें ज्यादा पेमेंट जो है ज्यादा मिलता है, ये एंटिसिपेटरी फंडिंग जिसे कहते हैं, और इसके लिए कुछ पैसा रखना हम लोग सोच रहे हैं कि वो अच्छा रहेगा। और कैश डिलीवरी बिजनेस जो है उसमें भी अगर हम अपना ही पैसा यूज करें तो उसमें भी जो है हमें काफी मुनाफा होगा, तो इसलिए इसके लिए हमने जो है ये 20 करोड़ जो है प्लान किया है। करीबन 24 करोड़ जो है हम लोग अभी 220 गाड़ियां खरीद रहे हैं, और ये गाड़ियां हमारी इन्वेंट्री में होंगी। ये हमने सोचा कि अभी तक जो है हम सिर्फ लीजिंग कर रहे थे, तो उसकी जगह कुछ गाड़ियां हमारे अपने स्ट्रेंथ में होना चाहिए, हमारी इन्वेंट्री में होनी चाहिए, जिसमें हमें स्टेबिलिटी मिलेगा, और कोई नया अचानक बिजनेस आ जाए तो उसके लिए कुछ रिजर्व गाड़ियां होना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग ये 220 गाड़ियां खरीद रहे हैं, और बाकी जो है वो जनरल कैपिटल पर्पस है जिसके लिए हमने रखा है इसको। ओके सर। एंड सर, जैसे कि फोर्थ वेव की खबरें सामने आ रही हैं कि फोर्थ वेव आ रही है, आउट ऑफ इंडिया तो आ भी चुकी है काफी ज्यादा, तो आपको लगता है आपके बिजनेस पे उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में जो है इतना असर नहीं पड़ा है। फर्स्ट वेव हम जो है हमें सरकार ने जो है एसेंशियल सर्विस हमें डिक्लेयर किया था, बताया था कि हम एसेंशियल सर्विस हैं, तो इसलिए जो उसमें 90% जो हमारा रेवेन्यू है वो पेमेंट्स ने बैंक्स ने पेमेंट किया। हालांकि मॉल और काफ़ी जो है दुकानें वगैरह बंद हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था, उसके बावजूद वो पेमेंट हुआ। डेल्टा वेव जो वेव टू हुआ था वो तो सिर्फ करीबन 3 महीने के लिए था, तो उसमें जो है हमें बैंक से उतना सपोर्ट नहीं मिला उस वक्त, और ये बाद में जो 9 महीने थे उसमें हमने देखा कि सिचुएशन काफी मजबूत हो गया है। अभी जो मास वैक्सीनेशन हो गया है और हर्ड इम्यूनिटी है, इसके साथ अभी आने वाले कोविड वेव का इतना असर होना, मेरे ख्याल में अभी वो कोविड वेव फर्स्ट वेव वैसा जो है असर होना अभी बहुत ही मुश्किल है, और मैं सोचता हूँ कि अभी इसको इतना हमने काफी हद तक जो है ये खतरा डाइल्यूट हो गया है।
एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन ये कि अभी बजट आने वाला है 2023 का, तो आप लोग को क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से? मेरे अभी तक जो है जिस तरीके से चला रहे हैं, अगर इसी को बरकरार रखें, ये प्रो इंडस्ट्री है और एक बैलेंस बजट है और बैलेंस तरीका है, जिससे कैसे इसी वजह से जो है हमारा भारत जो है एक द्वीप की तरह है, एक आइलैंड की तरह है पूरे दुनिया में, जबकि सब जगह अनस्टेबिलिटी है। यूरोप वगैरह जो है अभी हम जानते हैं किस हालत में है, वहां पर हमारा देश जो है स्टेबल है और अच्छा आगे बढ़ रहा है। तो अगर जो अभी जो जिस तरीके से चल रहा है इसी को और मजबूत करते हुए आगे चले तो बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो है, अगर आप हमारा लोगो देखें जी, उसमें आर है रेडिएंट के लिए, और उसमें एक बैनर आपको नजर आएगा। बैनर जो है वो इसको दर्शाता है कि हम, ये फौज को दर्शाता है। जी सर बिल्कुल, मैं आपको यही कहने वाली थी कि आपके लोगों में झलक है कि आप आर्मी से रिटायर्ड हैं और आप आर्मी से टच, और हमारे 22% लोग, हमारा पूरी लीडरशिप और हमारे जो 22% लोग हैं वो फौज के हैं जी। और इसीलिए हम अपने पूरी फक्र के साथ हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। पब्लिक मनी है, उसकी हिफाजत है। और ये अभी आप देखिए हमारे 13,000 पिन कोड में हम लोग काम कर रहे हैं। 13,000 पिन कोड में जो भारत के वासी हैं वो हमारे ऊपर पूरा भरोसा करते हुए अपना पैसा हैंडओवर करते हैं। तो ये शायद अकेली कोई ऐसी कंपनी होगी जहां जिनका इतना जो है पूरे नेटवर्क है पूरे भारत के ऊपर, जहां पूरे भारत के सिर्फ लक्षद्वीप में हमारा अभी तक कोई लोग नहीं है, वहां से भी ये कैश वैन की डिमांड आ गई है, तो शायद वो भी हम लोग भेजेंगे। तो उस एक छोटे द्वीप को छोड़कर बाकी सब जगह हमारा काम चलता है और सब जगह हमारे देशवासियों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। तो इसलिए रेडियन कैश मैनेजमेंट का नाम जो है सब जगह सब लोग जानते हैं इसको। जी सर बिल्कुल। तो सर ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ एंड योर ग्रोथ। हम चाहते हैं कि आपका आईपीओ अच्छा रहे, लोग इसको सब्सक्राइब भी करें। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स आल्सो एंड थैंक यू फॉर कमिंग विद अस। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग अस हियर एंड गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।